नहीं अभी तो मैंने सब पूरा स्टॉक भर दिया एकदम गोडाउन। हाँ दिवाली आ रही ना उसके लिए दूसरा ऑर्डर में दिवाली के बाद लिखवाता हूँ। हाँ वही अभी देखो दिवाली में क्या जाता है कितना माल बिकता है। हाँ ठीक है। हाँ सेठ जी। हाँ इस दिवाली के लिए आपने कोई अच्छी स्कीम सोची? अरे वही नटू काका देखो माल तो पूरा भर दिया है अभी दिवाली में कोई अच्छी स्कीम सोचनी पड़ेगी। सेठ मैंने सोची है। अच्छा बताओ बताओ। इस बार दिवाली में सारे वर्कर्स को दो दो पगार बोनस दे दीजिए। नट्टू काका अपने लिए कोई स्कीम मत सोचिए कस्टमर के लिए स्कीम सोचिए। कस्टमर के लिए? सेठ जी कस्टमर के लिए है स्कीम एक LCD के साथ एक DVD फ्री। नट्टू काका आपको भी मालूम है LCD के पीछे हमको DVD जितना ही छूटता है अभी DVD फ्री में दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। पर आपने तो कहा कि कस्टमर के फायदे में कोई स्कीम सोचो। हाँ मतलब कस्टमर का भी फायदा हो और अपना भी फायदा हो ऐसी कोई स्कीम हो तो बोलो। तो एक काम कीजिए दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि इस दिवाली में आप जो चाहे खरीदिए पैसे अगली दिवाली में देना। बेस्ट स्कीम। तो ठीक है आप सबको भी पगार में अगली दिवाली में दूंगा चलेगा। नहीं अरे वाह ये बराबर सुनाई दिया आपको। नहीं ऐसा वैसा फटाका नहीं है बापू जी 1000 का 1 है, है? तो अरे तू जब छोटा था तो 1000 रुपए में तो पूरा गांव फटाके फोड़ता था और अब 1000 का 1 ऐसी क्या खास बात है। बापू जी ये स्पेशल फटाका है। क्यों फटाके में काजू बादाम डाला है? नहीं बापू जी ये फटाके की खास बात यह है कि इसको फोड़ने से आवाज बिल्कुल नहीं आती है, है? एक अच्छा सा वो म्यूजिक बजता है। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। बस बस अबे बेसुरा कहीं का। क्या कुमार भाई बड़े लंबे टाइम के बाद आप आए दुकान में खरीदी करने के लिए। अरे क्या जेठा भाई पिछले महीने तो आया था। अरे वही तो पिछले महीने ऐसे एक एक महीने के बाद आएंगे तो हमारी दाल रोटी कैसे निकलेगी। अभी आप बोलते तो हर 15 दिन बाद आऊंगा। ये हुई ना कुछ बात है। नटू काका जी सेठ जी कुमार भाई का होम थिएटर सिस्टम कल सुबह है बिना बुले घर पे पहुंच जाना चाहिए डिलीवरी। पहुंच जाएगा सेठ जी आप चिंता मत कीजिए। और वो चंदू को बोलना वायरिंग एकदम फर्स्ट क्लास फिटिंग करके दे चालू करके दिखा दे वो क्या बोलता है डेमोन्स्ट्रेशन अपना घर का समझ के ऐसे बोला काम करे। सेठ जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सब हो जाएगा। अच्छा जेठा भाई मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे एक मिनट नटू काका ओ फ्री गिफ्ट तो दीजिए। हाँ दिवाली की। हाँ अच्छा अच्छा ये लीजिए कुमार भाई हमारी तरफ से दिवाली का फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट ये क्या है? ये बॉम्ब है पर ऐसे वैसा बॉम्ब नहीं है ये खास मैंने फॉरेन से मंगाया है मतलब ये वो फूटने वाला बम नहीं है इसको आप जलाएंगे ना इसके अंदर से फर्स्ट क्लास म्यूजिक बजेगा ऐसा हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दी। बेटा घर जाके फोड़ना। नहीं पापा मुझे अभी फोड़ना है। घर जाके फोड़ेंगे बेटा। अरे कुमार भाई फोड़ने दीजिए ना बच्चा है ये यहाँ फोड़ दीजिए घर पे फोड़ने के लिए सेठ जी दूसरा देंगे। हाँ चलो चलो पटाखा फोड़े शाबाश पटाखा फोड़े। ये क्या पटाखा फोड़े आपको अक्कल है नटू काका ये एक पीस 1000 का है। अच्छा बहुत अच्छा 1000 का है। अच्छा पापा है ना पटाखा फोड़ेंगे फूटेगा तो नहीं ना। अरे नहीं नहीं अब चिंता मत करो नहीं फूटेगा ये खाली इसमें से म्यूजिक बजेगा जलाओ जलाओ। जेठा भाई आपने कहा बॉम्ब नहीं फटेगा यहाँ मेरे मुंह का तो बैंड बज गया। चलो बेटा जेठा भाई मेरी सारी ऑर्डर कैंसिल। कहाँ से लाऊं पैसे अच्छे खासे 20,000 रुपए मिल रहे थे लेकिन उसमें भी उस जेठालाल ने टांग अड़ा दी मेरी ईमानदारी मुझे को बेचकर मेरा नुकसान कर दिया। जी करता है उसके चारों तरफ दिवाली के बम फोड़ दूं।
अब तेरा क्या होगा जेठिया? भिड़े भाई, देखिए मैंने और मेरे पूरे खानदान ने आपकी वाइफ माधवी भाभी के हाथ के अचार और पापड़ खाए हैं। तो अब बम खा। नहीं नहीं, देखिए भिड़े भाई, आपको मुझे मुर्गा, गधा, वो बतख जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरे आगे बम मत फोड़ो, मुझे बम से बहुत डर लगता है। अच्छा जेठिया, जो डर गया समझो घर गया। अरे वाह, तो खोलो मेरे हाथ में, घर जाता हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। अरे जो डर गया समझो मर गया। मतलब 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा टीवी देखता है तो उसकी माँ उसे कहती है बेटे सो जा, वरना भिड़े मास्टर होमवर्क दे देगा। बाप रे, और तूने उसी भिड़े मास्टर की दिवाली खराब कर दी। मैंने क्या किया है? चुप रहे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी जेठिया, जरूर मिलेगी। हाथ आगे करो। अब हाथ खोलो तो आगे करो ना। रहने दो। अच्छा मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये क्या है? चॉकलेट बम। खाओ खाओ, खोलो मुँह, खोलो मुँह, खोलो। तुम्हें बम से बहुत डर लगता है ना जेठिया, अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। अरे आप किसको फोन कर रहे हैं? नहीं नहीं, किसी को नहीं, चलो चलो। अरे चलो जल्दी। अच्छा आपने बोला नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। तुम? हाँ। एकदम बल्ब जैसी। ऐसे 10-15 बल्ब एक साथ में चालू कर दो तो कैसा झगड़ा मारता है एकदम, ऐसा चमक चमक चमक, ऐसी लग रही है तू। सोनू पानी ला जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? लाइट की सीरीज खराब हो गई थी ना, मैंने रिपेयर कर दिए, अभी कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चालू होगा। ओहो क्या मस्त चालू हो गया, एकदम ब्राइट लाइट है। बाबा ये लेसी गोल्डन जुबिली हो गई है, अब नए राइस क्यों नहीं लाते? वो क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले चालू थी सोनू ये। रुको रुको, शुरू हो जाएगी अगली दिवाली तक। और ये क्या, इस साल भी हम यही करने लगाएंगे? हाँ। और पता है बाबा, मेरे सारे फ्रेंड्स एंटिक पीस बोलकर चिढ़ाते हैं। किसको, कंदिल को या इनको? बाबा ये ऐसे फट गया है। अयो खरास। अरे कहाँ फटा हुआ है? एक मिनट ये पकड़, इनको दिख नहीं रहे ना, हम लोग दिखाते हैं। ये दिखा, यहाँ फटा है। अच्छा ये यहाँ से तो बल्ब अंदर जाएगा ना माधु, ये फटा हुआ नहीं है। फटा नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जरा फटा नहीं है ना? नहीं। ये क्या, तुमने पूरा फाड़ दिया? पूरा नहीं, पुराना फाड़ दिया है, अब नया ले लीजिए। कर लो, हाय दादागिरी है। और प्लीज लाइट्स भी नहीं लेके आना। हाँ नई लाइट की सीरीज लेते हैं, नया कंदील लेते हैं। बोल और क्या क्या चाहिए? बोल बोल, उस चांस से मांग ले। गोगी मेरा चेर पुत्र, और इस दिवाली पे तू जो भी मांगेगा ना तुझे मिलेगा, बता क्या चाहिए? पापा मैंने वोटा आइटम बम चाहिए। एटम बम हॉट डस। और पापा मैंने वोटा रॉकेट चाहिए। ओ वोटा रॉकेट, अब वो भी मिलेगा, आगे बोलो। लस्सी। और लस्सी वो भी मिलेगी। हो खुदाए, मैं तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आई हूँ। ओ क्या बात है यार, लस्सी आई मम्मी, ले ले ले। गोगी ये क्या, मुझे बड़ा ये चाहिए बड़ा वो चाहिए कर रहा है, तने मालूम छे तू कितलो नानो छे? ओए सोनिए, ओ गोगी पुत्र अभी नानो छे, लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत बड़े 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 काम करेगा, और इसीलिए अभी बड़े बड़े पटाखे भी छोड़ेगा। और बोल गोगी पुत्र तुझे और क्या क्या चाहिए? रोशन कल को जाके ये बोलेगा कि मुझे सच्ची मुच्ची का रॉकेट चाहिए, फिर ओ अय्यर प्रा को फोन कर देंगे, वो आगे नासा में फोन कर देगा और हम लोग रॉकेट का ऑर्डर दे देंगे। रोशन तू टटन खेलो चे खेलो। पापा एक डजन अनार के बहुत ज्यादा है। अच्छा तो ठीक है, ये लड्डू खा लीजिए पापा।
एक डजन अनार मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। और पापा 3 डजन जमीन चक्री और उतनी फूल जड़ियां। बहुत ज्यादा है पापा, तो ठीक है ये कचौरी खा लीजिए। कचौरी? हाँ। मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। हंस, तुम अपने बेटे से रिश्वत ले रहे हो? कोमल, तुम इसे रिश्वत समझ रही हो? और मैं इसे बेटे का प्यार। और वैसे भी दिवाली आ रही है, गोली के मनपसंद की चीजें तो इसे दिलानी पड़ेंगी ना। सही बात है। गोली बेटे एक बात बताओ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने छोटे छोटे पटाखे चाहिए? बड़े धमाके वाले पटाखे नहीं चाहिए? नॉइस पॉल्यूशन पापा, मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों से सख्त नफरत है। वाह, गुड गुड। और मिठाई? 10-15 किलो काजू कतरी ले आना। ठीक है। क्या, अरे दुकान खोलनी है क्या? अरे कोमल, 10-15 किलो में थोड़ी ही दुकान खुलेगी, वो तो बहुत कम पड़ेंगी। कम ऑन हंस, तुम भी ना। कोई बात नहीं, बोले बेटा तुम्हारी दिवाली सिर्फ रोशनी से नहीं, मिठास से भी भरपूर होगी। थैंक यू पापा। मॉम डैड, मैं खेलने जा रहा हूँ, टप्पू जना मेरा इंतजार कर रही होगी। बाय। भगवान, हम लोग इधर फटाके नहीं फोड़ रहे और आपने सीधा बॉम्ब फोड़ दिया। हैप्पी दिवाली पार्टी। हैप्पी दिवाली बेना। हैप्पी दिवाली जीजाजी। कैम मजा माँ? हाँ भाई, हैप्पी दिवाली। बका भाई, सुंदर भी ना कहाँ है? सुंदर भाई तो नहीं आ सके। वाह, टप्पू सेना के लिए फटाके भेजे और आप सभी लोगों के लिए मिठाई भेजे। मिठाई में क्या क्या है मालूम है? चोला फली, खाखरा, घुघरा, ये सब मिठाई भेजी। How sweet, lovely. क्या बात है? Wow! फटाके! अरे सारे फटाके! गोया, गोले, गोया, गोया! बिड़े, भूल जाओ मिठाई। टप्पू के पापा, आप सुंदर वीरा को जरा फोन करो ना। किस लिए? अरे ये फटाके मिठाई सब लाए ना, तो थैंक यू के लिए। लेकिन उधर भी दिवाली है ना, तो फटाके फूट रहे होंगे। मैं भी फोन करूंगा तो हेलो हेलो हेलो, इसको सुनाई नहीं देगा कुछ। मैं सुबह फोन कर दूंगा। ठीक है, ओके बका, थैंक यू। 8,000 टैक्सी का भाड़ा। सुंदर ने बोला है जीजा जी से टैक्सी का भाड़ा ले लेना, वो आके हिसाब समझ लेगी। कब आएंगे वो? जब टाइम मिलेगा टैक्सी लेके आ जाएंगे। लेकिन हर बार तो 7,000 होता है ना, 8,000 क्यों चाहिए? अरे जीजा जी, दिवाली है, 1,000 रुपया ड्राइवर को दूंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। ये भी सुंदर से कम नहीं है। 5,000 का फटाका और 8,000 का फटका। टप्पू के पापा, बुरा मत लगाना, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि गिफ्ट की कभी कीमत नहीं देखते। लो। पर एक बार अपने भारत देश की बड़ी कमाल की है जी, एक साल में इतनी बार नया साल आता है कि पता ही नहीं चलता कि नया साल कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। अभी देखो ना, गुजराती लोगों का दिवाली में नया साल शुरू होता है, हम लोग का गुड़ी पाड़वा पे, तुम लोग का बैसाखी पे, और साउथ इंडियन लोगों का पोंगल पे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि महंगाई इतनी बढ़ने के बावजूद भी लोग त्योहारों में खरीदारी करना नहीं चूकते। हाँ बराबर है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब मिठाई देखिए, ऐसा लगता है कि मिठाई खाने के बदले सूंघ के ही रख दे। अरे हो भाई हो, तू क्यों रख रहा है? तू खा, तुझे नहीं बोल रही। तू क्या बोल रही है दया? यह बेचारा सूंघ के रख रहा है मिठाई। नहीं नहीं ठीक है। क्या हुआ बिल्ली मास्टर, खा खा।
ना ना खा, थोड़ा इसको पैक करके भी दे देना। अरे नहीं नहीं देव अभी मैं खाता हूँ। और सिर्फ मिठाई महंगी नहीं हुई है, जरूरत की सारी चीजें महंगी हो गई है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो 2-3 साल के बाद लोग फटाके खरीदना ही बंद कर देंगे। हैप्पी दिवाली बोल के ऐसे मुंह से ही फटाके का आवाज करेंगे। रोशन, तू मैट थे गया छे, तू ऐसे चकड़ा पना करी रहा छे, तू घर में रस्सी बम फोड़ रहा है। रोशन यार, मैंने कभी भी घर पे बम नहीं फोड़ा, तो मैंने यार रस्सी बम इस बार घर में फोड़ लेते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं रे, नहीं रोशन, चुप कर, घर के अंदर थोड़ी ना बम फोड़ूंगा। और मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, तदन गेली चे गेली। डाकू की तरह भूकानी बांध के क्यों घूम रही है? ये जेठिया, गड़ा खानदान की बहू को तू डाकू कह रहे? डाकू? बाबूजी, वो मैं नींद में सोया था ना, तो वो अचानक ही ऐसे भूकानी बांध के सामने आ गई, तो डर के मारे वो डाकू निकल गया मुंह से, और ये गलती हो गई। नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती इसकी है। तो सुबह सुबह घर में डाका बुकाने बांध के ऐसे क्या साबित करना चाहती है? कुछ साबित नहीं करना चाहती। तो बुकाने बांध के क्यों घूम रही है तू घर में? अरे सफाई में धूल उड़ती है ना, इसलिए मैंने बुकाने बांध कर रखी थी। अरे लेकिन अचानक सुबह सुबह बुकाने बांध के तुझे सफाई क्यों करनी है? टप्पू के पापा, ये सादी साफ सफाई नहीं है। तो मसाला साफ सफाई है? सादी साफ सफाई नहीं है मतलब? अरे ये सफाई दिवाली की सफाई है, दिवाली आ रही है ना, तो मैंने दिवाली की सफाई अभी से शुरू कर दी है। चलिए मेरी मदद कीजिए। अरे रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, सुबह सुबह मुझसे सफाई करवाना चाहती है। क्यों, तुझे सफाई से कुछ प्रॉब्लम है? मतलब बापूजी, अभी आज के जमाने में कौन अपने हाथों से घर में सफाई करते हैं? आजकल तो बापूजी वो धंधेदारी सफाई करने वाले होते हैं, उनको के पूरे घर का कॉन्टेक्ट दे दो तो आके पूरा घर एकदम चकाचक साफ सुफ कर देते हैं। अरे जेठिया, खूब मेहनत से, बड़े प्यार से, अपने हाथों से जो घर बनाया होता है उसे अपने हाथों से साफ करने का आनंद ही निराला होता है। इससे अपना और अपने घर के बीच का रिश्ता बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। नहीं, बराबर, आप बराबर कह रहे हैं बापूजी, मैं मानता हूँ, लेकिन रोज तो सफाई होती है ना घर में, फिर दिवाली में वापस खास सफाई करने की क्या जरूरत है? अरे टप्पू के पापा, ये हमारी परंपरा है। हमारे अहमदाबाद में तो दिवाली आने के 15 दिन पहले ही दिवाली की साफ सफाई शुरू हो जाती थी। कमरे, खिड़कियाँ, आंगन, छत सब पानी से एकदम साफ करते थे और एकदम चकाचक कर देते थे। हाँ बराबर है। और जेठिया, दिवाली के वक्त जो घर साफ सुथरा रहता है उसी घर में लक्ष्मी माँ पधारते हैं। और तू भूल गया? अरे दिवाली के वक्त बचाव में तेरी माँ भी पूरे घर की साफ सफाई करती थी।
अरे घर का कोना कोना साफ करती थी, मैं भी सफाई में उसे मदद किया करता था। अरे तू है बहू को हाथ बटाने की जगह उसे पूछ रहा है कि दिवाली में साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं वो बापू जी मैं तू तैयार है ना आके ना हाँ 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 चल चल सफाई शुरू कर। तो सफाई शुरू करने से पहले दांत की सफाई करने की इजाजत है? इजाजत वाली चल चल मतलब मैं वही कह रहा हूँ, पहले हाथ मुंह और दांतों की सफाई कर, उसके बाद घर की सफाई शुरू कर दे चल। जी जी बाबूजी। आपको जो गणित लगाना है लगाइए, लेकिन ये पूरा क्षेत्र अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। हुँ? होगा भाई पूरा साफ ही करो। अब्दुल भाई अब्दुल भाई अब्दुल उठो 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 संभल के संभल के संभल भाई को कैसा चल रहा है? अरे हारू 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 है अरे मला हाथ दे माझा पाय माझा पाय काय चाललंय अब्दुल भाई सॉरी दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना इसीलिए ये सब आपको लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं कहीं भी देखा सॉरी आराम से आराम से। अब ये बताओ कि यहाँ पे किस लिए आया था तुम? हैं किस लिए आया था ये बोल। अरे हाँ याद आया याद आया याद आया बोलो। सोसाइटी ऑफिस गया था दिवाली डेकोरेशन की फाइल चाहिए थी वहाँ पर मिली नहीं, आप घर पे लेके आए ये पूछने के लिए आया था। हाँ वो दिवाली डेकोरेशन की फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी वो मैंने रखी है, मैं तुम्हें देता हूँ चलो। ऐसे जाओगे सोसाइटी ऑफिस में? मुझे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, आप चेंज करता हूँ शाम को भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है अब्दुल भाई संभल के। हाँ अरे बाप रे काम वाड़ले। अरे सबको साल मुबारक करने में लेट हो गया। नटू का कर भागा का अभी तक फोन नहीं आया, वो दुकान पहुंचा क्यों नहीं तो उनको भी लेट हो गया। भागा सेठ जी का फोन है। हाँ तो उठाइए आज थोड़ी मस्ती करते हैं। कैसे? हाँ नीटू काका जल्दी फोन उठाइए। हेलो हाँ नीटू काका हेलो हेलो लगता है नीटू काका का फोन बिगड़ गया है, बागा को करता हूँ। नीटू काका नीटू काका सेठ जी का फोन अब मुझे आ रहा है। Do the same. जी हाँ सेठ जी। हाँ बागा हेलो बागा बागा का फोन भी बिगड़ गया क्या?